ओम अयंत इद्मात्मा जातवीरस्तिनिध्यस्ववर्धस्वचिद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभि ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधया इदमग्नये जातवीरसे इदन्न मम ओम अदितेनुमन्यस्व। आर्य सभा मॉरिशस ने सत्यार्थ प्रकाश मास का औपचारिक शुभारंभ ऋषि दयानंद संस्थान पाई में बृहद महायज्ञ के साथ किया। अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम। इस सत्यार्थ प्रकाश मास के संदर्भ में एक महीने तक आर्य समाज की सभी शाखाओं में यज्ञ करने का प्रबंध किया गया है। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिन्द्राय इदन्न मम। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिःसूर्यः स्वाहा ओम सूर्यो वर्चोज्योतिर्वर्चः स्वाहा ओम ज्योतिःसूर्यःसूर्यो ज्योतिःस्वाहा ओम सजोर्देवेन सवित्रा सजोरुषसेन्द्रवत्या जुषाण सूर्यो वेतो ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ओम अग्निर्वर्चोज्योतिर्वर्चः स्वाहा ओम स्वाहा ओम भूर्पाय वेपनाय स्वाहा इदं वायवेपनाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय ज्ञानाय स्वाहा इदमादित्याय ज्ञानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवाय वादित्यभ्यः ज्ञानिभ्यः स्वाहा इदमग्निवाय वादित्यभ्यः प्राणापानभ्यानिभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम् स्वाहा ओम यां मेधां देवगणा पितरश्चोपासते दया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्नासुवा स्वाहा। ओम अग्नेनय सुबधाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुराणमीनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिन्द्राय इदन्न मम। समित्युवसे वृषनग्न विश्वान्यर्य आ ईडस्पदे समित्यसे सनो वसून्याभर स्वाहा। ओम सं गच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जा
समानं मन्त्रमभिमन्त्रयेव समानेन वो हविषा जुहोमि ॐ समानीव आकूतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसह सते स्वाहा यानश्चेत्र आभूवदूते सदा वृधः सखा कयाशचेष्टया Thank you.
सबकी भगवन पूरी हो। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। इस औपचारिक समारोह में उपस्थित सभा के संचालकों एवं सदस्यों ने स्वामी दयानंद द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश महाग्रंथ पर प्रकाश डाला। मैं आग्रह करता हूं कि सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, हर एक समुलास पढ़िए और जहां तक हो सके अपने परिवार के बीच में इस पर चर्चा कीजिए और जो विचार है वहां पर उसको अपने बीच में लागू कीजिए। बहुत चीज लिखा गया है। आर्यसभा मॉरीशस एक ऐसी संस्था है, जब से आर्य समाज की स्थापना हुई इस देश में तो हम वेद मंत्र द्वारा अपने सब कार्य करते हैं। सुचारू रूप से करने के लिए हमें सीखना चाहिए, हमें नियम के अनुसार चलना चाहिए, स्वामी जी के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, आर्य समाज के 10 नियम का पालन करना चाहिए। तो ये सब करने के लिए हमें एक स्थान देखना चाहिए जहाँ पर हम सीख सकते हैं, सीख कर हम अपने दूसरों को बता सकते हैं। तो खासकर हमारे जितने अध्यापक अध्यापिकाएं जो आकर बहुत त्याग परिश्रम के साथ आप लोगों को पाठ दे रही है, तो उन अध्यापकों को भी मैं धन्यवाद देता हूं। और आप लोग जो जवान जो इस क्षेत्र में आने के लिए पूरा प्रयत्न किया, तो आप लोगों के भी परिवार है, फिर भी इतने त्याग होते हुए आप लोग वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आप लोग उपस्थित हुए हैं और आर्य सभा के कार्यों में आप लोग सहयोग देने के तैयार हैं। वैदिक धर्म के मानने वाले हमें कहना चाहिए कि हम हिंदू वैदिक हैं। महर्षि दयानंद के राह पर हम चलने वाले सिपाही। आज मैं सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्थ समुलास पर कुछ प्रकाश डालने जा रही हूँ। इस समुलास में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने विवाह एवं गृहस्थ आश्रम पर प्रकाश डाला है। वैदिक दृष्टिकोण से विवाह एक धार्मिक संस्कार है। स्त्री और पुरुष मिल के अपना संसार बनाते हैं। एक बार संबंध हो गया तो उसे जीवन भर निभाना होता है। जीवन पर्यंत एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार होना पड़ता है, किसी विवशता में नहीं। कर्तव्य भावना से मन वचन कर्म से प्रसन्नता पूर्वक इस आश्रम में प्रवेश करते हैं। इस समुलास में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। प्रथम ब्राह्मण, दूसरा देव, तीसरा आर्ष, चौथा प्राजापत्य, पांचवा आसुर, छठा गांधर्व, सातवा राक्षस, आठवां पैशाच। सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण विवाह कहता है। वर कन्या दोनों यथावत ब्रह्मचर्य से पूर्ण विद्वान धार्मिक और सुशील हों, उनका परस्पर प्रसन्नता से विवाह होना ब्राह्मण विवाह कहता है। यह जानना आवश्यक है कि स्वामी दयानंद जी ने इस कालजयी ग्रंथ को 3 महीनों में लिखा। स्वामी जी गुजराती थे और हिंदी कम प्रयोग करते थे। वह अपने वक्तव्य संस्कृत में देते थे। 12 जून 1874 में उन्होंने इस अमर ग्रंथ को लिखकर प्रकाशित करवाया। वे बोलते जा रहे थे और
पंडित चंद्रशेखर जी लिखते जा रहे थे। आर्य समाज का जो है आठवां नियम पढ़िए, अविद्या 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 का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। कितने शब्द? 9 शब्द। परिपूर्ण विद्या की बात आती है। मोक्ष विषय कहाँ है? नवा समुलास में है। नवा समुलास ये 9 संख्या बहुत महत्वपूर्ण है। इस सब हम क्यों बताते हैं? आपको याद रहे कि यह मंत्र 9वां मंत्र है यजुर्वेद के 36वें अध्याय का। आगे बढ़ते हैं। हमने कहा शं नो मित्र, मूल शब्द है शम। इस मंत्र में यह शब्द 5 बार आए हैं। शन्नो मित्र शम वरुण, शन्नो भवत्वर्यम, शन्न इंद्रो बृहस्पति, शन्नो विष्णु रुरुक्रम, 5 बार आए हैं। ये परमात्मा के 5 गुणों को प्रस्तुत करता है। ऋषि ध्यानन के सबसे प्रिय मंत्र का उच्चारण एक साथ करते हैं। ॐ विश्वानि देव सवेतर दुरितानि पराशुव यत् भद्रं तन्न आशुव ॐ शम। आज का हमारा विषय है ईश्वर का स्वरूप। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 8वां मंत्र ईश्वर के स्वरूप का वर्णन किया है। मंत्र इस प्रकार है, ओम सपर्यगात शुक्रम अकायम अवरणम अस्नाविरम शुद्धम अपापविधम कवि मनीषि परिभू स्वयंभू यथा तत्यत अर्थान व्यदा चाश्वतिभ्यः समाभ्यः। यजुर्वेद 40वें अध्याय का 8वां मंत्र का देवता आत्मा है, स्वर निषद है, छन स्वराज जगती है, अर्थ सह वह परमात्मा पर्यगात हर वस्तु में व्यापक भाव से उपस्थित हैं, अर्थात वह सर्वव्यापक हैं। शुक्रम से मुक्त है, अस्नाविरम वह नस नाड़ी आदि बंधनों से जकड़ा हुआ नहीं है, वह निराकार है। शुद्धम वह अविद्या दोषों से रहित यानी है, वेद ज्ञान देने वाला है, सर्वांतर्यामी है। मनीषी स्वयं भू उसका कोई दूसरा उत्पादक या प्रभु नहीं है, वह स्वयं अपना स्वामी है। नवन समुलास विद्या अविद्या बन और मोक्ष। जो मनुष्य विद्या और अविद्या के स्वरूप को साथ साथ जान लेता है वह अविद्या अर्थात कर्म और उपासना से तर कर मृत्यु को पार कर जाता है। यथार्थ ज्ञान अर्थात जो वस्तु जैसा है उसका वैसा ही जान लेना मोक्ष को प्राप्त करना है। योग दर्शन के अनुसार अनित्य को नित्य, अपवित्र को अपवित्र को पवित्र, दुख को सुख और अनात्मा को आत्मा समझना अविद्या है। भजन के माध्यम से स्वामी जी के मार्गदर्शन का गुणगान किया गया। Come on.
सत्यार्थ प्रकाश एक महान ग्रंथ है जिसका अनुवाद विभिन्न भाषाओं में किया गया है। पाई में आयोजित सत्यार्थ प्रकाश महीने के इस औपचारिक समारोह के दौरान डॉक्टर उदय नारायण गंगू ने कहा कि सत्यार्थ प्रकाश चमत्कारों को चुनौती देने वाला एक ग्रंथ है। भाइयों बहनों, बहुत कुछ आपने सुना पर कहानी किसी ने नहीं सुनाई। मैं एक कहानी से शुरू करता हूँ। बहुत पुराने जमाने की बात है, अभी ज्ञान का विकास नहीं हुआ था। एक बहुत भोला भाला आदमी था, उनको ये भी मालूम नहीं था कि प्यास लगती है तो पानी पीना चाहिए। भयानक प्यास लगी, उनके प्राण सूखने लगे। तड़प कर कहा, मैं प्यासा हूँ प्यासा हूँ। राहगीर जा रहा था, उसने कहा भाई गंगा नदी के पास जाओ, पानी मिलेगा। हुआ गया, किनारे खड़े होकर कहा मैं प्यासा हूँ प्यासा हूँ, तड़प रहा हूँ। दूसरा राहगीर आया और कहा पानी के पास जाओ, तुम तो तट पर हो। हुआ गया, वहाँ पानी में उतरा, फिर भी चिल्लाने लगा कि मैं प्यासा हूँ। एक तीसरा आया, उस राही ने कहा कि अंजलि में पानी ले लो। उसने पानी ले लिया और कहा प्यासा हूँ प्यासा हूँ। चौथा आया, उसने कहा भाई नदी में हो, अंजलि में पानी है, क्यों नहीं मुँह तक लाते हो। उसने मुँह तक पानी लाया पर पुकारता रहा प्यासा हूँ प्यासा हूँ प्यासा हूँ। पांचवा आया, क्यों तड़प रहे हो भाई, प्यासा हूँ, पानी पी लो, अंजलि में पानी है, अब पियो उसको, प्यास बुझेगी। भाइयों बहनों, ये अंतिम जो राही था उसने सच्चा ज्ञान दिया कि पानी पी लो तब प्यास बुझेगी। यही काम महर्षि दयानंद ने किया। उन्होंने प्यास बुझाई दुनिया वालों की सच्चा ज्ञान देकर। महाभारत के बाद धर्म को समझने वाले लोग नहीं रहे। राजकुमार सिद्धार्थ को लगा कि संसार में दुख है, दुख से मुक्ति पाने के लिए ध्यान करना चाहिए, और ध्यान किया उन्होंने ऋषि पद्धति से नहीं, पतंजलि की पद्धति से नहीं। इसलिए अंत में महसूस किया कि जो मैं शरीर को सुखा रहा हूँ ये उचित नहीं है, शरीर नष्ट हो जाएगा। मान ले उनको बोध हुआ और सिद्धार्थ बोध से बुद्ध हो गया, और बुद्ध बनने के बाद कहा परमो धर्म अहिंसा परमो धर्म, ये पाठ पढ़ाया। मेरे देवता मेरे परम पिता, मेरे देवता मेरे परम पिता, मैं जाऊँ कहाँ तुझे छोड़ कर, मेरे परम पिता मेरे परम पिता मेरे परम पिता मेरे परम पिता, मेरी सांस में मेरे प्राण में तेरा नाम हो, मेरे सब तरफ मेरे परम पिता मेरे परम पिता मेरे परम पिता मेरे परम पिता। मेरा तन व मन तेरे रंग में, मेरा तन व मन तेरे रंग में, चिंतन मनन
मन तेरे संग में। चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, ना जीऊं कभी तुझे भूल कर, मेरे परम पिता मेरे परम पिता मेरे परम पिता मेरे परम पिता। मुझे एक तेरी कृपा मिले, मुझे एक तेरी कृपा मिले, चाहे और कुछ भी ना मिले। जो तेरी कृपा के बिना मिले, मुझे चाहिए नहीं माल वह, मेरे परम पिता मेरे परम पिता मेरे परम पिता मेरे परम पिता। क्या मुकाबला तेरे दान का, क्या मुकाबला तेरे दान का, तू है एक दाता जहान का, तू है एक दाता जहान का, तूने बिन कहे सब कुछ दिया, अब करूं भी क्या कुछ मांग कर, मेरे परम पिता मेरे परम पिता मेरे परम पिता मेरे परम पिता। ओम असतो मा सतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। और भारत से आए स्वामी आशुतोष परिव्राजक जी ने कहा कि सत्यार्थ प्रकाश एक प्रभावशाली ग्रंथ है जिसकी रचना आर्य समाज के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने के लिए की गई है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अविद्या अंधकार से बाहर निकल करके वेद के प्रकाश में आलोक में अपने आप को लाना है, सत्यार्थ प्रकाश। मृत्यु बार बार मरना आत्महनन करना यह सत्य रूप है, इस मृत्यु से बाहर निकलना और मोक्ष को प्राप्त होना। तो एक बार मैं बोलूंगा, आप भी बोलिएगा बड़ी भक्ति भावना से हृदय आकाश में। व्यापक परमात्मा सत्य के अर्थ को जानने वाले ऋषियों के ऋषि गुरुओं के गुरु महान ज्ञान बन के भंडार परमात्मा अभी इसी क्षण हमारे हृदयों में उपस्थित है। ओम असतो मा सद्गमय, ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्माम अमृतम गमय, ओम।
अपने में विद्यमान व्यापक परमात्मा जो सब गुणों की खान है, भंडार है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, हम जीवों के लिए त्वमेव सर्वम सब कुछ परमात्मा है, अनादि पिता, अनादि माता, गुरु, राजा, बंधु, मित्र, न्यायाधीश, परम चिकित्सक और परम पूज्य हैं। उन्हीं की भक्ति आराधना से व्यक्ति इतना महान बन जाता है, सामान्य व्यक्ति ऋषि बन जाता है, ब्रह्मज्ञानी बनता है, जीवन मुक्त बनता है और अंत में वो मुक्ति का अधिकारी बनता है। ऐसे महानतम परमात्मा ऋषियों के गुरु, अग्नि वायु आदि तंगिरा के भी गुरु, उन गुरु को हम मन में प्रणाम करते हैं। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः, तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। अब आंखें खोल लेते हैं। इस हमारे सभागार में आर्य सभा के सभी अधिकारी महानुभाव, मैं थोड़ा ब्रीफ में बोलूंगा संबोधन को, हमारे डॉक्टर गंगू जी और सभी हमारे आचार्यगण, विद्वजन, पंडित पंडितागण, मातृशक्ति, सज्जनों, एक बहुत अच्छा आप लोग कार्य आरंभ करते हैं, हर साल करते हैं सत्यार्थ प्रकाश मास। इस रूप से यह महान कार्य है। आप सब ने बहुत अच्छी बातें सुनाई, सुन करके बहुत आनंद आया कि कितना अच्छा आप लोग जानने वाले हैं, इतिहास को जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। पर मैं जब आपके देश का परीक्षण करता हूँ, लोगों का परीक्षण करता हूँ, तो एक कमी देखता हूँ, बहुत अच्छा जानते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, परंतु जो हमारा कर्म है, उपासना है, उसमें अनेक त्रुटियां हम मुझको दिखती हैं। क्योंकि तीनों का समन्वय जरूरी है, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना। बहुत अच्छा क्रिया करते हैं, जब भोजन की बारी आती है तो बिल्कुल भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं, देही बन जाते हैं, खाने में टूट पड़ते हैं कई बार, तो ऐसा नहीं, हम शुद्ध आत्मा हैं। हमारा भोजन खाना पीना ये नहीं है, भूल गए अपना भोजन, ज्ञानामृतम भोजनम। दयानंद सरस्वती ने वेदों का अमृत पान किया था, परमानंद का पान किया था, इसी के बलबूते वो इतने हजारों ग्रंथों को पढ़ करके और सार निकाल करके सत्यार्थ प्रकाश में वर्णन किया। इतनी विद्या, इतनी योग्यता कहाँ से आती है, ये हम सब लोगों को सोचना चाहिए। जब तक हम अपने भोजन को नहीं पहचानेंगे, अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे, तब तक हम कितने बोलते रहे सत्यार्थ प्रकाश, इसमें ये लिखा, उसमें वो लिखा है, परमात्मा का कृपा का द्वार बंद ही रहेगा और बंद ही है। इसलिए हम सबके लिए, जो हमारे माननीय सभा के बड़े अधिकारी लोग हैं, सबके लिए, सबके जीवन में दो बार की संध्या अनिवार्य है, प्रत्येक दिन का हवन अनिवार्य है। इससे कम योग्यता व्यक्ति अधिकारी बनने का अधिकारी नहीं होता है। दो बार की संध्या, प्रत्येक दिन का हवन, वेद का स्वाध्याय, और जिसको वैदिक साहित्य, अच्छे साहित्य की जानकारी है, उन लोगों को सभा है, समाज के अधिकारी पद पर बैठाया जाए, नहीं तो ये हमारा समाज धीरे धीरे करके पाखंडवाद बन जाएगा। बहुत ऊंचे जीवन की आवश्यकता है। दयानंद सरस्वती ऋषियों के प्रतिनिधि हैं, वो बोलते हैं, यदि मैं उस काल में, कपिल कलाद काल में होता, तो शायद मैं कोई विद्वान भी मानता। इतनी विद्या, इतनी योग्यता, इतना परमात्मा के प्रति अटूट प्रेम, और जीवन कितना सहज सरल, डाउन टू बी अर्थ। एक विद्वत्ता का प्रतिपादन करते हैं, एक हम विद्वत्ता से परमात्मा का प्रतिपादन करते हैं, एक अपना परिचय देते हैं, एक हम सदा परमात्मा का परिचय देते हैं। आर्य समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए सूचना है कि सारे विश्व में आर्य समाज जो भी है, जब तक हम लोगों के जीवन नीच ऊपर तक का ऊंचा नहीं बनेगा, हम खूब बोलते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। तो हम सबका कर्तव्य है, हमारे जीवन के 8 सोपान कहलाते हैं, 8 योग के अंग भी हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा,
ध्यान समाधि, इसके बिना हम आर्य है ही नहीं, कैसे आर्य समाज को चलाएंगे, डुबो देंगे। ये आर्यों के लिए आठों अनिवार्य हैं, प्रत्येक दिन करने के लिए है, नहीं तो केवल मात्र हम कुछ और रह जाएंगे। बहुत सारी कमियां हमारे समाज में आ गई हैं, हम लोगों ने बहुत सारा जो आचार विचार है उन लोगों का अपने जीवन में जोड़ा हुआ है जो वेद विरुद्ध है, हम कैसे आर्य कहलाएंगे। तो परमपिता परमात्मा समस्त ज्ञान विज्ञान के आधार हैं, हम लोग ऋषि दयानंद की भक्ति को समझें, उनकी ईश्वर आज्ञा पालन को समझें, उनका जीवन और उनकी प्रत्येक क्रिया, जहाँ देखो छोटी कथा व्यवहार भानु है उसमें आठ प्रकार का व्यवहार बताया है, खाना पीना उठना बैठना लेना देना सुनना बोलना, ये हमारा बहुत सारा छूटा हुआ है, खड़े खड़े खाते हैं, चप्पल जूते पहने रहते हैं, इस मंच पर कभी किसी का चप्पल जूता नहीं आना, ऋषि की मंच है ये, नीचे उसको रखा जा सकता है, यहाँ किसी का भी चप्पल जूता कभी भी नहीं आना, किसी स्थिति में नहीं आना। तो हमको ऐसे कठोरता से मंतव्यों को पालन करना, नीचे बैठे खाना ही भूल गए, कभी नीचे बैठ खाना खाना चाहिए, बहुत लाभ होते हैं, बड़े विचित्र लाभ हैं। तो जब तक जीवन पद्धति में हम बातों को नहीं लाएंगे, शब्दों से प्रचार नहीं होता, कभी नहीं हुआ है। ऋषियों ने जीवन में जी करके जो कुछ लिखा है वही किया, वही बताया है। तो परमपिता परमात्मा हम आर्यों को शक्ति दें, आर्य का अर्थ होता है ईश्वर पुत्र, जिसकी प्रत्येक क्रिया में परमात्मा की झलक मिले, ये कैसे खाता है, कैसे बोलता है, कैसे क्रिया करता है, जो हमारे पंडित पंडिता लोग बैठे हुए हैं आपके लिए भी नियम लागू होता है, बहुत कठोरता से बड़े तप से जीवन का निर्माण होता है। यहाँ पर पंडिता के कोर्स चलते हैं, अच्छा सभा कार्य बहुत अच्छा कार्य कर रही है, पर फिर भी जो त्रुटियां हैं जहां भी हैं उनको हटाना हमारा धर्म है। आप सबके लिए एक छोटा श्लोक आया हुआ है, कौन पंडित हो सकता है, कौन पंडिता हो सकती है, उसका लक्षण किया है आत्मज्ञानम, जिसको आत्मा परमात्मा का ज्ञान है, आई एम सोल, भगवान मेरा परमात्मा अच्छी प्रकार ज्ञान है, समारंभ, प्रत्येक क्रिया को बहुत विचार के बड़ी बुद्धिमत्ता से परफेक्ट भाव से करते हैं, तितिक्षा, सर्दी गर्मी भूख प्यास जो भी आता रहे पर धर्म को कभी छोड़ते नहीं हैं, नित्य धर्म का पालन करते हैं, और जिनको चकाचौंध रूप आकर्षित नहीं कर सकते हैं, यह मर्था नाप कर संती, जिसे कोई संसार की वस्तु आकर्षित नहीं कर सकती है, स वही पंडित उच्चते, ये वाक्य है विदुर नीति का। ऐसे जीवन मूल्यों को समझने के लिए हम लोग प्रयत्न करें, परिश्रम करें, तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। सत्यार प्रकाश की एक एक पंक्ति बहुत गहरी है, हम जितने बार पढ़ते हैं नया विज्ञान मिलता है, यज्ञ का विज्ञान, संध्या का विज्ञान, सूर्य का विज्ञान, चंद्रमा का, इतनी सारी विद्याएं भरी पड़ी हैं, तो हम लोगों को आर्य समाज को एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक मंच है, दुनिया को स्वीकार करेगी, आप यज्ञ के द्वारा पता नहीं क्या क्या चमत्कार कर सकते हैं, इतने बड़े अनुसंधान हैं, संध्या के ध्यान के प्रयोग, हम लोग बीमार हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, कहीं ना कहीं कारण है, महर्षि नियम दिया है संसार का उपकार करना, इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। हम संसार की उन्नति करना चाहते हैं, आत्मोन्नति है ही नहीं, माइंड कंट्रोल नहीं है, बुद्धि का ज्ञान नहीं है, समाधि लगाते नहीं, क्या संसार सुधारेंगे, नहीं सुधार सकते हैं। इसलिए महर्षि ने कहा शरीर से स्वस्थ रहना, हर साल बीमार हो जाते हैं, सुधार नहीं कर सकते हैं, ऐसी योग्यता हमारी हो कि हमको 70 साल तक हॉस्पिटल जाना ही नहीं पड़े, आईसीयू में जाना नहीं पड़े, ये शारीरिक उन्नति है। ऐसे मंतव्यों को जीने के लिए बहुत तप त्याग संयम की आवश्यकता है, संकल्प करो एक साल बीमार नहीं पड़ना है, आप नहीं पड़ेंगे, फिर आगे करते 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 काल बढ़ता चला जाएगा। तो परमपिता परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं, हम लोग ऋषि के मंतव्य को समझें, और बहुत अधिक तप की आवश्यकता है, त्याग की आवश्यकता है, संयम की आवश्यकता है, तब हम ऋषि को समझ सकते हैं, सत्यार्थ का समझ सकते हैं। एक दिन फिर सारा संसार मानेगा जो सत्यार्थ का लिखा हुआ है, वाद के लिए नहीं है, वो शाश्वत संविधान है, जब जब वैदिक सृष्टि होगी सत्यार्थ प्रकाश लिखा सब ऐसे ही लागू हो जाएगा, ये नहीं कि आज पुराना हो गया आज नहीं होता है, ये वो बात लिखी गई है
तीन काल में जब जब सृष्टि होगी वेद का संविधान ऐसा ही था ऐसा ही होगा, तो ऐसा हम लोग समझें। आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं, इतने घंटे बैठे रहे हैं, सुनते रहे हैं, सुन सुन के थक जाते हैं, परंतु समाधि लगाने का अभ्यास करो, इतनी तृप्ति मिलती है। आप दो घंटे भाग दौड़ करते हैं, सुख के लिए सुख मिलता ही नहीं है, अंदर की ओर आओ, आपको तृप्ति मिलेगी, ऐसी मिलेगी कि आपको घंटों बैठेंगे उठने का मन नहीं करेगा। यहाँ खाना पीना इतना उपाय करना पड़ता है, यहाँ केवल मन को डाइवर्ट करना है, इसकी ओर आओ। बाहर बाहर बहुत घूम लिया, बहुत जन्म लगा लिए एक्स्ट्रोवर्ट में, अंदर की आके देखेंगे कुछ खर्चा नहीं, कोई गैस नहीं, कोई चूल्हा नहीं, कोई श्रृंगार नहीं, कोई टीवी नहीं, केवल मात्र मन को बदलना है। आप आनंद से मग्न हो जाएंगे। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। परमात्मा शक्ति मांगे, सामर्थ्य मांगे और अपने आप को पहचाने, हम आत्मा हैं, ये हमारा शरीर है, हमारा लक्ष्य परमात्मा है, त्रैतवाद को समझना है। इसकी बहुत सुंदर व्याख्या सत्याग्रह में पदे पदे आई है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सौ भला करो भगवान सबका। चलता तेरे सहारे हम तेरी संतान सबका भला करो। भला करो भगवान सबका भला करो। तू दुनिया का प्रीतम प्यारा, तू दुनिया का प्रीतम प्यारा, सबसे ऊंचा सबसे न्यारा, सबसे ऊंचा सबसे न्यारा, सकल गुणों की दान सबका भला करो। भला करो भगवान सबका भला करो। सबका है पालनहारा, सबको मिलता तेरा सहारा, सबको मिलता तेरा सहारा, हे जगदीश महान सबका भला करो। हे जगदीश महान सबका भला करो। भला करो हर दो सबकी झोलियां दाता, तू है सबका भाग्य विधाता, तू है सबका भाग्य विधाता, तू सबको वरदान सब
ज्ञान सबका भला करो भला करो भगवान सबका भला करो दाता दयानिधान सबका भला करो भला करो भगवान सबका भला करो सबका भला करो सबका